हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज हम आप लोग को डाइकिन एसी का बेसिकली फॉल्ट जो आते हैं, एरियर कोड आते हैं ई से स्टार्ट होने वाले, इसके बारे में बताने वाले हैं। एग्जांपल आप दे सकते रहेंगे एरियर कोड E0। अगर E0 एरियर कोड आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम हमारा आउटडोर एक्टिवेशन ऑफ आउटडोर सेफ्टी डिवाइसेस, यानी जो आउटडोर में जो सेफ्टी डिवाइसेस रहते हैं वो खराब हो सकता रहेगा। हमें उसको चेक करना होगा प्रॉपरली, जो आउटडोर से प्रॉब्लम रहते हैं। ई से जो भी एरियर कोड वगैरह आते हैं, इसमें ज़्यादातर जो है आउटडोर का प्रॉब्लम रहता है। तो हमें एक एक जो है सेफ्टी डिवाइसेस, उनमें क्या क्या चीज़ लग रहते हैं, उसको हमें चेक करना होगा। उसी तरह से हमारा आता है एरियर कोड, स्टार्ट होता है E1। यहाँ पर आप देख सकते रहेंगे एरियर कोड आ रहा, दिखा रहा है हमारा E1। अगर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, शो कर रहा है, तो उसमें हमारा जो है PCB का प्रॉब्लम रहेगा, भी आउटडोर से रिलेटिव है, यानी कि आउटडोर में जो हमारा PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, वो हमारा खराब हो सकता रहेगा। उसमें कोई सर्किट वगैरह खराब हो सकता है, जल सकता रहेगा, कोई से भी एग्जाम्पल खराब रहा, तो हमें उसको प्रॉपर चेक करके रिपेयर करने की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो देखें, जरूर जानने को कुछ सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। उसी तरह से हमारा आता है ये एरियर कोड, जो सकते हैं E3। अगर एरियर कोड हमारा डिस्प्ले में शो कर रहा है E3, अगर शो कर रहा है, तो इसमें भी हमारा जो है आउटडोर का ही प्रॉब्लम रहेगा। आउटडोर का एक्टिवेशन ऑफ हाई प्रेशर स्विच, यानी कि जो HPLP स्विच रहता है, HP प्रेशर रहता है, उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, या तो गैस ज़्यादा हो सकता रहेगा, हाई प्रेशर कंडेंसर मोटर नहीं चल रहा है, या कंडेंसर ब्लॉक है, यानी जो भी है, में हाई प्रेशर स्विच हमें चेक करना पड़ेगा उसके रिलेटिव में क्या क्या चीज़ है। उसी तरह से हमारा आता है एरियर कोड E4। अगर E4 हमारा शो कर रहा है, तो इसमें भी जो है हमारे देख सकते रहेंगे आउटडोर एक्टिवेशन ऑफ लो प्रेशर स्विच, यानी कि इसमें जो हमारा लो प्रेशर स्विच हो सकता है, यानी जहाँ पर लोग गैस कम हो सकता रहेगा, आइस आ सकता रहेगा, या और भी एक्स्ट्रा जो भी प्रॉब्लम है, इसको हमें चेक करना होगा प्रॉपर, ये लो लो प्रेशर क्यों हो रहा है। तो E4 में हमारा लो प्रेशर स्विच का प्रॉब्लम रहेगा। उसी तरह से हमारा आता है, यहाँ पर देख सकते रहेंगे E5। अगर हमारा एरियर कोड जो है E5 शो कर रहा है, तो उसमें हमारा देख सकते हैं आउटडोर का ये भी प्रॉब्लम है। आउटडोर का जो एक्टिवेशन ऑफ कंप्रेसर ओवर हीट प्रोटेक्शन आवर मोटर लॉक, यानी कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा हीट हो रहा है, एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, या नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कंप्रेसर का प्रॉब्लम रहेगा हमारा E5 अगर शो करेगा तो। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर देख सकते रहेंगे एरियर कोड शो कर रहा है E6। अगर E6 शो करता है, तो इसमें भी हमारा जो है आउटडोर का ही प्रॉब्लम रहेगा। आउटडोर का जो है स्टैंडर्ड कंप्रेसर लॉक ओवर करेंट, यानी कि जो आउटडोर का जो कंप्रेसर है वो एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, कोई या तो जाम हो गया है, नहीं चल रहा है, या ज़्यादा करंट ले रहा है, तो ये हमारा E6 शो करेगा। E6 जो है शो करेगा, इसके कारण बहुत से हो सकते रहेंगे, सबको हमारा दूसरा प्रैक्टिकली वीडियो रहेगा, इसमें हम आप लोग को थ्योरिकली इस तरह से बता रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा एरियर कोड जो है E7। E7 आएगा, इसमें भी हमारा जो आउटडोर से संबंधित प्रॉब्लम है, इसमें हमारे देख सकते रहेंगे आउटडोर का जो फैन मोटर रहता है उसका जो लॉक हो गया रहेगा, या तो ये भी जो है हमारा ओवर लोड होगा, यानी कि मोटर जो है जाम हो सकता रहेगा, या चल चल नहीं रहा है, आउटडोर का फैन मोटर कंडेंसर फैन मोटर रहता है उसका प्रॉब्लम रहेगा अगर E7 शो कर रहा है, तो इसको भी हम प्रॉपर चेक कर लेना है। जाम है, बैरिंग जाम हो सकता रहेगा, नहीं चल रहा है, पावर नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसे हमें चेक करना होगा खोल करके। उसके बाद हमारा आता है, यहाँ पर देख सकते रहेंगे E8। E8 अगर हमारा शो कर रहा है, तो इसमें भी देख सकते रहेंगे आउटडोर इन्वर्टर इनपुट ओवर करेंट, यानी कि इन जो इसमें PCB रहता है, आउटडोर में जो PCB वगैरह है, इन्वर्टर का PCB है, उसमें पावर ज़्यादा जा रहा है, यानी कि जो हमारा 240 वोल्टेज 230 जितना भी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है, तो E8 हमारा शो करेगा, उसमें पावर चेक करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा जो एरियर कोड E9 शो कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे अगर E9 शो कर रहा है, इसका भी जो हमारा आउटडोर का ही प्रॉब्लम है, यानी कि आउटडोर में जो हमारा रहता है मैलफंक्शन ऑफ EEV, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो रहता है उसका हमारा प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो हमारा चल नहीं रहा है, या जाम हो गया है, या खराब हो गया है, कोई कारणवश हो गया रहेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का प्रॉब्लम रहेगा अगर E9 शो कर रहा है। उसी तरह से हमारा लास्ट आता है एरियर कोड जो है ई से ई ए। अगर ई ए अगर हमारा जो है शो कर रहा है, तो इसका भी जो हमारा आउटडोर का ही प्रॉब्लम है। आउटडोर में यहाँ पर देख सकते रहेंगे फोरवे वाल्व डिफेक्टिव, यानी जो रिवर्स वाल्व जो रहते हैं, फोरवे वाल्व रहता है,
वो खराब हो गया रहेगा, वो स्टक हो गया रहेगा, या गैस पास नहीं हो रहा है, या कुछ भी यहाँ पर हो सकता रहेगा, उसमें जो कॉइल्स रहते हैं नहीं चल रहे हैं, तो उसका हमें प्रॉब्लम होगा, हमें उससे प्रॉपर चेक करना होगा क्या प्रॉब्लम फोरवे वाल में है। तो इस तरह से आप कोड का जो भी एरियर कोड फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल ऑन कर दें, जिससे हम कोई सा भी और वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके, दे सके। आप देख सकते हैं हमारे इस एसआर सर्विस सेंटर के चैनल पर बहुत सारे टेक्निकल वीडियो है, जो हमारा होम इक्विपमेंट, जो घर में यूज होने वाले इक्विपमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, मोटर, हर एक चीज का जो है टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अगर आईटीआई, डिप्लोमा या कुछ भी आप कोर्सेस कर रहे हैं, आप नए फील्ड में हैं, तो यह वीडियो, यह चैनल हमारा आपके हेल्पफुल के लिए है। आपको इस पे हर चीज जो है थ्योरेटिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बनाया जाएगा, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको क्या चीज सीखना है, वो हिसाब से हम आप लोग को टेक्निकल वीडियो बनाकर देंगे और आप लोग का हेल्प होगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करेंगे, आप जो है नए टेक्निशियन, नए लोग का आप भी हेल्प जरूर करें, यह वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी सीख सके, देख सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।